एक दुखद समाचार जिला रियासी के मुख्य कार्यालय के सड़क मार्ग पर आया है और आपको बता दें कि एक मोटरसाइकिल जो है ट्रक के साथ हिट हो जाता है और वहां पर एक बाइक सवार व्यक्ति की जो है मौके पर मौत हो जाती है, जिसमें आपको ये बता दें कि लगभग जो है 1 घंटे के करीब उसका शव जो है सड़क मार्ग पर पड़ा रहा। लेकिन आपको ये बता दें कि जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से कोई भी एम्बुलेंस जो है प्रोवाइड नहीं की गई, स्थानीय लोग वहां पर मौजूद रहे। इसके अलावा उस शव को आखिर एक पुलिस की गाड़ी में जो लेकर जिला अस्पताल रियासी में लिया जाता है। एक दुखद समाचार है और एक शर्मसार जो वाक्य सामने आया है, क्योंकि अगर जिला अस्पताल यहाँ से करीब 1.5 किलोमीटर का अंतर नहीं है तब भी जाकर जो है वहां पर एम्बुलेंस प्रोवाइड नहीं की जाती है, ये शर्मसार वाक्य रहा। और एक शव जो है 40 मिनट के करीब वहां पर सड़क मार्ग पर पड़ा रहा, लेकिन एम्बुलेंस नहीं आने के कारण स्थानीय लोगों ने दुख जताया और रोष भी जताया है जिला अस्पताल प्रशासन के ऊपर कि ऐसी नलायकी जो है अगर देखने को मिलेगी जिला कार्यालय सामने के बाहर, अगर एक हादसा हो जाता है जहां पर शव पड़ा रहता है 1 घंटे के करीब लेकिन वहां पर एम्बुलेंस नहीं पहुंचती है, तो जो आम जनता है वो दुख जो जताती है और रोष भी जताती है कि अगर अस्पताल इतने पास है तो वहां पर एम्बुलेंस क्यों नहीं दी जाती। देखिए हमारी खास रिपोर्ट में क्या कहना है स्थानीय लोगों का। दुख समाचार हमें मिला, जैसे हम जब रोड पे यहां आए तो देखा डेड बॉडी कहीं आधे घंटे से यहां रोड पे पड़ी हुई है, कोई उठाने वाला यहां नहीं आया। यहां की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जहां के डीसी साहब के सामने गेट के बाहर जो एक्सीडेंट हुआ है, यहां कोई पूछने वाला नहीं है। यहां का जो हमारा जो मेडिकल विभाग है, सुप्रिटेंडेंट को यहां के अभी तक एम्बुलेंस नहीं, मुझे लगता है कि भारत सरकार की एम्बुलेंस है। मुझे लगता है ढेरों सारी 101 का जो नंबर आता है उसके ऊपर अगर कॉल करते तुरंत में एम्बुलेंस प्रोवाइड होनी चाहिए। मगर ये मुझे बड़ा दुख का समाचार जहाँ मिल रहा है कि यहाँ की डेड बॉडी यहाँ रोड पे पड़ी हुई है, लत खून के पड़ी हुई है, एक बुजुर्ग की निर्दोष जहाँ मुझे कहता है हत्या हो गई है। यहाँ कोई एडमिनिस्ट्रेशन का कोई सुध लेने के बिना पुलिस के यहाँ हमारे SHO साहब जहाँ आए हुए हैं, मैं कहूँगा DC साहब को कि इसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर सुप्रिटेंडेंट साहब जहाँ यहाँ हमारे बैठे हुए हैं वो किस लिए बैठे हैं, हमारे टैक्स पेयर लोगों का पैसा ले रहे हैं, हर गरीब का हमारा पूरे देश के लिए जो सारा ऑफिसरों को पैसा मिलता है वो यहाँ के लोगों की सहूलियत के लिए मिलता है और इतनी हत्या होने के बावजूद भी यहाँ का सुप्रिटेंडेंट CMO साहब कोई आज तक जहाँ सुध लेने नहीं आया कि पुलिस विभाग तो हर नक्शे यहाँ आती है बेचारी जो खड़ी है। ये SHO साहब देखो, ये ट्रैफिक पुलिस के विभाग जहाँ लोग आए हुए हैं, मैं ये कहूंगा कि ऐसी हत्या अगर जिला रियासी में होती तो कौन सुध लेने आएगा। मुझे बड़ा दुख से ये कहना पड़ता है, ऐसे ही लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जहाँ की इनकी उनकारी मैं जहाँ के LG प्रशासन से कहूंगा, LG साहब यहाँ का रियासी जिले के अंदर इतनी हर बार की जो रोज ऐसा ही हादसे होते हैं, वो लोग सड़क पे पड़े रहते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, इसके इनकारी होनी चाहिए। मैं DC साहब को भी कहूंगा कि जल्द से जल्द इंक्वायरी की जाए और इस लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए।